वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। एलिमेंट्री स्कूल टीचर की बेशुमार वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है और तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के अफराद जिनके पास मास्टर डिग्री है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की डिटेल और डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले आपने इंफॉर्मेशन कॉर्नर को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि जब भी कोई न्यू एडवर्टीजमेंट आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अच्छा, इसे सब्सक्राइब करने में ना तो आपका बैलेंस लगेगा और ना ही ऐसे नोटिफिकेशन आएंगे जिससे आप डिस्टर्ब हो सकें, तो हौसला अफजाई के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जॉब की डिटेल के अंदर जाने से पहले आपने कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है रोजीगो जॉब्स। जब रोजीगो जॉब्स लिखेंगे तो यहाँ पर आया है रोजीगो जॉब, इसे क्लिक करें और इस पेज के ऊपर मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी जो रिसेंटली अनाउंस हुई है, और इनमें से हमारी जो डिजायर्ड जॉब है वो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो कि फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जॉब्स 2021 की अनाउंसमेंट है। इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस जॉब की मजीद डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पोस्ट डेटेड यानी पोस्टेड डेट जब ये अनाउंस की गई वो डेट थी 21 अगस्त 2021 और न्यूज़पेपर एक्सप्रेस था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके अंदर 337 है और सैलरी पैकेज इसके अंदर 45,000 से 65,000 तक होगा। एजुकेशन मास्टर डिग्री इसके अंदर रिक्वायर है और बी एड कंपल्सरी है, यानी ऐसे अफराद जिनका बी एड है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी लोकेशन इस्लामाबाद, पाकिस्तान का जो कैपिटल है वहां पर पोस्टिंग की जाएगी। एज लिमिट 18 से 30 साल के अफराद इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब टाइप ये परमानेंट है, यानी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 सितंबर 2021 है। इसमें डिटेल्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर जिसे ईएसटी कहते हैं और मेल अफराद के लिए इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होगी ये हमने देखना है। पोस्ट नेम एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, पे स्केल बीपीएस 14 का है और एजुकेशन सेकंड क्लास, ग्रेड सी, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट या रेलिवेंट क्वालिफिकेशन के अफराद इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स 262 हैं। ओपन मेरिट की सीट्स 20 हैं, पंजाब के अंदर 60 हैं, सिंध के अंदर 09 है। ये मुख्तलिफ सीट्स आप अपने इलाके के अतबार से देख सकते हैं। इसी तरह फीमेल्स के लिए सेपरेट सीट्स अनाउंस हुई हैं, इनमें पे स्केल वही होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 75 हैं, ओपन मेरिट की 6 हैं, पंजाब के अंदर 17 है, इसे आप देख लेंगे खुद ही। उसके बाद पोस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट्स अनाउंस हुई हैं। फिजिक्स के लिए 59 हैं, केमिस्ट्री के लिए 60 हैं, बायोलॉजी के लिए 30 हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 63 हैं, मैथमेटिक्स के लिए 70 हैं, इंग्लिश के लिए 55 हैं। अब इसके अंदर हमने देखना है कि अप्लाई कैसे करेंगे। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं। अब इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जिसमें पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कि आपने HEC की वेबसाइट के ऊपर जाके किस तरह अप्लाई करना है। अब टेस्ट प्रिपरेशन डाउनलोड अब यहां से क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए क्या करना है, 600 रुपये आपको फी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी और अकाउंट नंबर ये दिया गया है इस अकाउंट के ऊपर, और जो भी आपके पास रिसिप्ट आएगी वो रिसिप्ट आपने कोरियर करनी है इस पते के ऊपर जो कि है HEC सेक्टर H8 इस्लामाबाद, यानी अपनी स्लिप इस पते के ऊपर आपने भेजनी है। अब ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अवेलेबल बिफोर, यानी 20 सितंबर से पहले पहले आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है जिसके ऊपर नॉमनक्लेचर ऑफ पोस्ट, पोस्ट कौन कौन सी हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए दी गई हैं। उसके बाद कैटेगरी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये हमने देखा है। इसमें
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर मैथमेटिक्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं मेल के लिए 262 हैं और फीमेल के लिए 75 हैं। यहाँ पर कोटा डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है। अब एज रिलैक्सेशन इसके अंदर डाल के जो है वो 18 से 30 ईयर्स तक के अफराद इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि हमने पहले देखा है यहाँ पर लिखा हुआ है HEC की वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इसके लिए आप इससे अप्लाई करने के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अकाउंट नंबर यहाँ दिया गया है, वही आपने दोबारा यहाँ पर लिखा देखना है कि आपने अपनी जो स्लिप है वो कोरियर के जरिए HEC के जो सेक्टर H8 है वहां पर भेजनी है। और अगर कोई मुश्किल आती है आपको तो आपने इस हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करनी है। अब इसकी सिलेक्शन कैसे होगी, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से पहले एक टेस्ट लिया जाएगा, जो जो पर्सन इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई करेगा शॉर्ट लिस्ट होगा, उसे किसी भी लेटर के जरिए मेल के जरिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी।